नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। स्थित कंप्यूटर मार्केट में कंप्यूटर और लैपटॉप के शोरूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला थाना हरिपर्वत अंतर्गत संजय प्रेस कंप्यूटर मार्केट का है। यहाँ बीएम टेक्नोलॉजी नाम की दुकान में भीषण आग लगी। बता दें करीब 30 से 40 लाख के लैपटॉप जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया। मेरा नाम मानसू अग्रवाल है, मैं स्टोर का मैनेजर हूँ। क्या हुआ था? यहाँ पे सुबह जब दुकान खुली, दुकान खुलने के 10-10 मिनट बाद एक शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट में उन्हें विकराल रूप धारण कर लिया। तुरंत हमने जो फर्स्ट एड है अपना, मतलब फायर का सिलेंडर वगैरह, वो यूज करा, बट वो काबू में नहीं आई, जिसकी वजह से विकराल रूप धर लिया। और फिर हमने फायर ब्रिगेड को इतला करा, उधर से गाड़ी आ चुकी है। अब गाड़ी जो है निशान कर रही है। सर, नुकसान का तो आकलन अभी नहीं कर पाऊंगा मैं। सर, हमें अनुमानित भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा अकाउंट सेक्शन वगैरह सब यहीं से चलता था। हमारा मेन स्टॉक रूम यही था। क्या सर, सारे लैपटॉप थे सारे सर, इसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप और आपका एआईयू वगैरह सब हुआ करते थे इसमें। कैसे लगता है, कैसे लगी होगी? सर, शॉर्ट सर्किट से आग का कारण बना है सर। हाल ही में यूपी के औरैया जिले में शासन के निर्देश पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान चलाया और कार्रवाई करते हुए नोटिस के बाद कस्बा और बाजारों में अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाते हुए हटा दिया। जैसे कि आप साफ तौर से इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारी पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि तस्वीरें औरैया के बिधुना नगर पंचायत की है। देखिए, जैसा कि अभी 2 दिन पहले SDM महोदया के नेतृत्व में अतिक्रमण के विषय में एक हम लोगों की मीटिंग हुई थी। इसके पहले भी मीटिंग हो चुकी है। उस मीटिंग में निर्धारित किया गया था कि सभी दुकानदार नाली के अंदर रहेंगे, नाली के बाहर कोई नहीं रहेगा। उसी के संदर्भ में आज जो है अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है यह अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें सभी लोगों को नाली के अंदर रहने का के लिए निर्देशित किया गया, तथा ये भी बताया गया कि आगे जो है अभियान इसी तरह से चलाया जाएगा। अगर कोई आदमी इस तरह से अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ जुर्माना वसूल किया जाएगा। मेरठ में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि मानो किसी का खौफ ना हो, ऐसी एक खबर सामने आई है। मेरठ के परिष्कृतगढ़ के सहदरा गांव से, जहां आपसी रंजिश के चलते 4 युवकों ने युवक के साथ पहले तो जमकर मारपीट की और उसके बाद उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवक की पहचान वैभव त्यागी के नाम से हुई है। तो वहीं बताया जा रहा है कि किसी रंजिश के चलते चारों आरोपी ने वैभव को गोली मारी। हालांकि इस पूरी घटना के बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। भूमाफियाओं और अवैध तरीके से आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल होकर गलत ढंग से बनाई गई संपत्ति पर इन दिनों प्रशासन का सिकंजा खूब कसता दिख रहा है। वहीं यूपी के पीलीभीत में कुख्यात गौवंश नाम के किलर अपराधी एजाज की पुलिस ने एक और आवासीय प्लॉट पर कुर्की कार्रवाई की। इस 500 गज के आवासीय प्लॉट की कीमत लगभग 56 लाख रुपये बताई जा रही है। इससे पहले 26 अप्रैल को इसी गौकिलर नाम से मशहूर एजाज के मकान और दुकान, जिसकी कीमत 1,33,00,000 रुपए थी, उसकी भी कुर्की की गई। बता दें कि आरोपी पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे आपराधिक और गौ तस्करी के मामलों में दर्ज है। घटना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर की है। अमरोहा के गांव फतेहपुर माफी स्थित WTMC आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कॉलेज के चेयरमैन कासिम अली और कॉलेज कमेटी के सदस्य आसिम अली के नेतृत्व में BAMS प्रथम छात्र सत्र 2021-22 के छात्रों का ट्रांजिशनल सर्कुलम सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें नव प्रवेशित छात्रों को कॉलेज स्टाफ द्वारा BAMS छात्रों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर डॉक्टर सीमा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर स्त्री एवं प्रसूत रोगी द्वारा मोटिवेशन लेक्चर दिया गया और डॉक्टर सीमा अग्रवाल के द्वारा ही शिक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिए, इसके विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी डिबेट के माध्यम से दी गई। बुलंदशहर के थाना कुर्जा पुलिस पर बर्खास्त सिपाही को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को छोड़ देने पर मृतक सिपाही कालीचरण की धर्मपत्नी और बहन ने पुलिस पर लेन देन का गंभीर आरोप लगाया। भारी संख्या में लोगों ने एकजुट होकर थाने का घेराव करते हुए नारेबाजी की। कुर्जा निवासी बर्खास्त सिपाही की 10 मई 2022 में मृत्यु हुई थी। परिजनों का आरोप है कि राजू और संजू त्यागी ने घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने बताया कि पैसे के लालच में
पार्टनर ने हत्या की। साझेदारी में पॉल्ट्री उद्योग चलाता बर्खास्त सिपाही परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। क्या हुआ था? मेरे आदमी ने एक मेरा कोटा त्यागी है राजू, अरे मेरे संजू कह दो त्यागी कह दो और पार्टनर, लेकिन उस दिन बहुत दिन से मोहवाद हो रहा, उसे निकाल रहे थे मेरे आदमी। अब से 10 तारीख को जो जितना मरेंगे उस रात सांझ को झगड़ा हुआ। मामला ये कि मेरा भाई था कालीचरण, वो एक त्यागी के साथ यहाँ पे एक उनके उनका कारखाना था, मिट्टी के बर्तन बनते थे उसमें, हाँ, और उसने इसमें पैसे लगाए थे तो दोनों का विवाद हुआ और उसने पैसे देके मेरे भाई को मार दिया है, उसने हत्या करवाई मेरे भाई की। पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान चलाकर लापता हुए 6 साल के मासूम को मात्र 12 घंटे के अंदर सकुशल ढूंढ लिया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस का आभार प्रकट किया है। 15 मई 2022 को पीड़ित वादिया नमजा पति मोहम्मद आवेश ने थाना कोतवाली नगर पर अपने बच्चे के लापता होने की तहरीर दी थी और पीड़ित परिवार ने ये भी कहा था कि 12 घंटे में पुलिस ने उनके बच्चों को सकुशल बरामद किया है, जिससे वो पूरी तरह से पुलिस से संतुष्ट है। चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही 39 तीर्थयात्रियों की मौत के बाद प्रशासनिक अमले में भागदौड़ मची हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। केदारनाथ धाम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और बद्रीनाथ धाम में कैबिनेट मंत्री सुरेश उनियाल जिम्मेदारी संभालेंगे और तीर्थयात्रियों को होने वाली समस्याओं से जानकारी दिलाएंगे। इतना ही नहीं, अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर दोनों धामों की यात्रा व्यवस्था की दोनों मंत्री लगातार मॉनिटरिंग भी करेंगे। धूप सर्द मौसम और बारिश के थपेड़ों का सामना कर इन भट्टे के मजदूर दूसरों का घर बनाने संवारने का कार्य तो करते हैं, पर उनके बच्चों का भविष्य इन थपेड़ों में गुम हो जाता है। ऐसे में इन मजदूरों के बच्चों में शिक्षा का उजियारा कराने का जिम्मा इटावा तहसील के बिसोकोहा निवासी प्रभा जायसवाल ने लिया है। उन्होंने एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे 36 बच्चों को पेड़ की छांव में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की मुहिम शुरू की। वहीं बच्चों को शिक्षा ग्रहण करते देख परिजनों के चेहरे भी खिल उठाए। उसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इनको शिक्षा दिला सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बिस्कोहर व्यापार मंडल का विगत 4 वर्षों से अध्यक्ष हूं और लगातार सामाजिक कार्यों में आप लोग हमको सक्रिय देखते रहेंगे। कोरोना का समय था जब पूरी दुनिया के ऊपर अब तक के मानवता का सबसे बड़े दुश्मन का कहर छाया हुआ था। उस समय आप लोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से देखा होगा कि हमने पूरे प्रदेश नहीं शायद पूरे देश में लोगों को ब्लड ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया था और अपने नगर में भी हमने स्टॉल लगाकर खाना बंटवाया था और आप जानते हैं कि हमने राशन बैंक की भी स्थापना की थी। तो सामाजिक कार्यों में मैं शुरू से ही सक्रिय रहता हूं। मुझे लगता है कि इस आभासी दुनिया में मानवता और इंसानियत के काम जहां से भी हो जाए वही ईश्वर की इबादत है। और रही बात भट्टे पे बच्चों को पढ़ाने की, तो एक दिन मैं बलरामपुर जा रहा था अपने परिवार के साथ तो एक रास्ते में एक भट्टा पड़ा और वहां मैंने देखा कि दोपहर का समय था, काफी बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे अपना मिट्टी धूल से। बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने पढ़ाने में पढ़ता है। इससे पहले आप लोगों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? इतना पैसा नहीं था तो पढ़ाने के लिए विद्यालय में क्या पढ़ा सकते हैं। फरखाबाद में भीषण गर्मी के चलते गंगा नहाने गए 4 दोस्त गंगा के गहरे पानी में डूबे। चारों दोस्त गहरे पानी में गंगा नहाते वक्त फोन से सेल्फी ले रहे थे। अचानक गहरे पानी में चले जाने से चारों युवक गंगा में डूबे। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवकों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें CSC कमालगंज में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से 2 युवकों के शवों को निकाल लिया है। गंगा से बाहर जैसे ही सूचना मिली वैसे ही मौके पर परिजन पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोरखपुर में इन ढोल नगाड़ों की आवाज़ आप सुन सकते हैं, किसी की सफलता के गवाह है। गोरखपुर की बेटी ने ब्राज़ील में जाकर हिंदुस्तान का परचम लहराया और वो भी ऐसी बेटी जो दिव्यांग है, बोल और सुन नहीं सकती। गोरखपुर की आदित्य यादव ने ब्राज़ील में
होने वाले डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दिल्ली से गोरखपुर वापस आई ये गोरखपुर की बेटी, स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए गए हैं, बधाइयां दी जा रही हैं। मुकाबिर होने के बावजूद भी जिंदगी जीने का हौसला इसने नहीं छोड़ा, अपने करामात से करिश्मा कर दिखाया है। बहुत बहुत खुश हूँ कि ये पल हमको सारे दुखों को भुला दिया है, कि इस बिटिया ने मुझे सारे जो दुख थे मेरे उस सबको दूर कर दिया है। जब आपको पता चला बिटिया के इस दिव्यांगता के बारे में और आज का दिन उसके बीच के संघर्ष की कहानी कुछ लाइनों में? जब मुझे पता चला तो बहुत दुख हुआ, मतलब उसका हम आपसे बयां भी नहीं कर सकते कि इतना दुख हुआ था, सोच भी नहीं सकते। एक तो ये लड़की, ऊपर से यही दिमाग में आता था कि अगर लड़का होता तो खैर ठीक, लेकिन लड़की, अब इनके लिए हम क्या कर सकते। बहुत तकलीफ़ हुई थी। फिर उसके बाद ईश्वर ने, जो ईश्वर का जो महिमा था, जो भी हो उनका आशीर्वाद कहिए, कि इस बच्ची ने वो कर दिखाया जो सब उसके आगे मुझे पता। हरदोई के बघौली थाना क्षेत्र के लखनऊ हरदोई मार्ग पर डबल नहर पुल पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में पिकअप डाला सवार बुआ भतीजी की मौत हो गई, जबकि 17 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये सभी लोग कासिमपुर थाना इलाके के रहने वाले हैं, मुंडन संस्कार कराकर हरदोई से वापस आ रहे थे। थाना बघौली क्षेत्र में आज थोड़ी देर पहले एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 वाहनों की टक्कर से 2 महिलाओं की डेथ हुई है और 13 व्यक्ति इसमें घायल हैं। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और उनका इलाज जारी है, और जो लोग जिनकी डेथ हुई उन्हें मोर्चरी भिजवाया गया, विधि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कहाँ जा रहे थे ये लोग और आपस में क्या रिश्ता है जिनकी डेथ हुई? ये मुंडन करा के जा रहे थे वापस कासिमपुर की तरफ, और रास्ते में दुर्घटना हुई जिसके कारण ये। जौनपुर में थाना बरसठी पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने लूट की घटना का अनावरण किया, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट का 12 लाख से ज्यादा रुपए नगद, सोना और चांदी के आभूषण, घटना में इस्तेमाल एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई। काशीपुर के संजीवनी अस्पताल में कार्यरत महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है और आरोप लगाया है कि काशीपुर के ढीला पुल के पास एक संजीवनी अस्पताल के एमडी द्वारा महिला का शारीरिक शोषण किया गया। यही नहीं, सहयोगी जीजा और भाई को भी जब इस बात का पता चला तो उन्होंने भी महिला को ब्लैकमेल कर महिला से अवैध संबंध स्थापित किए। वही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक डाली। सामने ये जो प्रकरण पीड़ित आई है बेचारी, संजीवनी अस्पताल काशीपुर में है, उसके जो डायरेक्टर हैं मुकेश चावला, मनीष चावला और गुम्बर जी, इन 3 डॉक्टर एक्चुअली ये जो महिला बेचारी नर्स का काम करने मई 2017 में गई थी, वहाँ पर मुकेश चावला ने ऑफर दी थी कि आप जो हैं मेरे घर मेरे संतान नहीं है, मेरी संतान को जो है उत्पन्न कर दीजिए। तो उसका महीना रिफ्यूज़ कर दिया, जबरदस्ती इनके साथ शारीरिक शोषण किया, उसके चलते इनकी वीडियो क्लिपिंग बनवाई गई और उसके साथ लगातार 5 साल तक शोषण करते लगातार इन लोग। अभी तहरीर दी गई है, चूँकि ये मामला कार्यस्थल पर यौन शोषण का भी है तो वहाँ पर भी कमेटी बनी होगी, उस पर भी हम वो उन अप्लाई किया होगा। यहाँ पर हमारे पास जो ये तहरीर आई है इसमें हम इस जांच करेंगे और फिर इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की राजधानी सिसौली में किसानों को उनका हक दिलाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहने वाले किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की रविवार को 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वैसे तो किसान मसीहा की इस पुण्यतिथि को जल जंगल जमीन पर्यावरण बचाओ संकल्प दिवस का नाम दिया गया। इस मौके पर सिसौली में कई खापों के चौधरियों, किसानों के साथ राजनीतिक दलों के दिग्गज भी शामिल हुए। सिसौली की पावन भूमि पर बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। चौधरी साहब ने जिस तरह से पूरे देश के किसानों की आवाज़ को उठाया और उस समय जब मीडिया, मोबाइल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं होता था, उस वक्त देश भर में एक आंदोलन खड़ा किया और देश भर के किसानों को इकट्ठा करके खड़ा किया। आज भी वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चला रहे हैं, या देश में अभी का किसान आंदोलन चल रहा हो या
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाली इंडिया के साथ।